हे टेक लवर्स, आपका स्वागत है मोबाइल फंडा के एक और नए एपिसोड में, जहां आज का फंडा है इंस्टॉल आईओएस 18 कंट्रोल सेंटर, जिसे आप अपने हाइपर ओएस 1 और 2 डिवाइसेस में बिना रूट किए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल किया जाए। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने बोरिंग से लॉक स्क्रीन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड में एक वीडियो मिलेगी, उसे चेकआउट करना ना भूलें। अब बात करते हैं इस iOS 18 इंस्पायर्ड HyperOS 2.0 कंट्रोल सेंटर की, तो वह हमें कुछ इस स्टाइल में देखने को मिलेगा, जहां पे कुछ टॉगल्स जैसे कि वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्राइटनेस और वॉल्यूम हमें कैप्सूल टाइप, और नीचे के आइकन सर्कुलर देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमें iOS 18 में देखने को मिलते हैं। वहीं इन टॉगल्स में एनिमेशन की बात करें तो वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है, जो कि मुझे एक डिसअपॉइंटिंग लगी। और वैसे भी ये थीम चाइनीज रीजन के लिए ही है, तो शायद मैं भी इसीलिए इसमें एनिमेशन देखने को नहीं मिले। खैर, बात करें वॉल्यूम कंट्रोल लेआउट की, तो वो भी हमें एज इट इज ही देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें स्टॉक थीम में देखने को मिलता है। वैसे इस थीम में कुछ और फीचर्स की बात करूं, तो इस थीम के लॉक स्क्रीन में हमें कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये चाइनीज लैंग्वेज में है, बट इसे आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस थीम को कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो सबसे पहले आपको इस थीम की बैकअप फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो उसे डाउनलोड कर लेना। फिर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग मेनू पे जाना है, फिर अबाउट फोन, फिर बैकअप एंड रिस्टोर, और फिर मोबाइल डिवाइस। फिर यहाँ पे अदर सिस्टम ऐप डाटा पे टैप करके अपने थीम की बैकअप ले लेनी है। फिर आपको जाना है अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर पे, फिर इंटरनल स्टोरेज, फिर मेरा फोल्डर, फिर बैकअप, फिर ऑल बैकअप, और यहाँ पे जो लेटेस्ट बैकअप वाली फाइल है इस पे टैप करना है। फिर यहाँ पे जो बैकअप वाली फाइल है उसे यहाँ से किसी दूसरे फोल्डर पे मूव करना है, और जो बैकअप फाइल आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करी थी उसे यहाँ पे मूव कर देना है। फिर वापस आपको जाना है अपने फ़ोन के बैकअप एंड रिस्टोर सेक्शन पे, और फिर रिस्टोर। फिर यहाँ पे उस बैकअप जो कि आपने थोड़ी देर पहले किया था उसे रिस्टोर कर देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के थीम स्टोर पे, फिर माय अकाउंट, फिर थीम्स। तो आपको यहाँ पे वो थीम देखने को मिल जाएगी, जिसे सिंपली अप्लाई कर देना है। वैसे एक बात, अगर आप इस थीम के सिर्फ कंट्रोल सेंटर को ही यूज़ करना चाहते हैं, तो इसे कम्प्लीटली अप्लाई करके बाकी के एलिमेंट्स को कस्टमाइज़ करना, नहीं तो सिर्फ ये सिस्टम पे अप्लाई करने से ठीक से काम नहीं करता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंट्रोल सेंटर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।